दोस्तों एक बार बाघ एक छोटे से बच्चे के जन्म देती है और उस छोटे से बच्चे को एक पत्ते से ढक देती है। तभी वहाँ शिकारी आ जाता है और बड़े से बाघ पर गोली चला देता है। गोली लगने के कारण बड़े बाघ की मृत्यु हो जाती है, लेकिन छोटे बच्चों को कुछ नहीं होता है। थोड़ी देर में वहाँ पर एक और इंसान आ जाता है और छोटे से बाघ के पास जाता है और उसी के पास खून देखता है और उसके बाद उस छोटे से बाघ को अपने साथ अपने फॉर्म में ले आता और अपने बकरियों के साथ पालना शुरू कर देता। धीरे धीरे जो छोटा बाघ रहता है बड़ा होने लगता है और उन बकरियों के साथ घुल मिल जाता है और बकरियों के साथ खेलता है, खाता सब कुछ है। लेकिन यह बाघ जब एक दिन तालाब के किनारे जाता तो वह अपना रिफ्लेक्शन पानी में देखकर काफी हैरान होता है और जोर से दहाड़ता है, जिससे सारी बकरियां डर जाती है। एक बार फिर वह तालाब के पास जाकर अपना रिफ्लेक्शन देखता है तो वह समझ जाता है कि वह एक बाघ है, लेकिन फिर भी वह बकरियों से उतना ही प्यार करता है।